नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीफ्राई। बिग बॉस 13 में इस बार कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ पर खूब चर्चा हुई। शो के होस्ट सलमान खान ने पारस छाबड़ा, आसिम रियाज से लेकर रश्मि देसाई की लव लाइफ के बारे में कई बड़े खुलासे किए। सलमान ने नेशनल टेलीविजन पर सभी को बताया कि रहान खान पहले से शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। शो के दौरान सलमान ने इस बात का खुलासा भी किया कि रश्मि की गैर मौजूदगी में रहान खान की फैमिली उनके घर पर रह रही है। हालांकि रश्मि ने शो में यह कबूला था कि बिग बॉस में जाने से पहले वे रहान को अपने घर की चाबियां देकर गई थी, लेकिन रहान की फैमिली का उनके घर में रहना रश्मि के लिए काफी शॉकिंग था। वहीं बीते दिनों रश्मि देसाई का कनेक्शन बनकर आई देवलीना ने शो में एक बड़ा खुलासा किया। देवलीना ने रश्मि को बताया कि रहान खान की माँ और बहन को रश्मि की गैर मौजूदगी में उनके घर पर रहने का लीगल नोटिस भेजा गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक देवोलीना ने रश्मि को बताया कि शो को देखने के बाद रश्मि के सोसाइटी के लोगों ने रहान की फैमिली को रश्मि के घर पर रहने के लिए लीगल नोटिस भेजा है। वहीं रश्मि की बात करें तो वो शो में रहान खान संग अपने रिश्ते को खत्म कर चुकी हैं। रश्मि ने बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनका रहान खान के साथ कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन रहान खान का कहना है कि उन्होंने रश्मि से अभी भी अपना रिश्ता खत्म नहीं किया है। अब ये तो शो खत्म होने के बाद पता चलेगा कि रश्मि रहान खान संग अपने रिश्ते को दूसरा मौका देती है या फिर खत्म करती है।